दिल्ली की विवादित नवी आबकारी नीति की जांच हुण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुँच गई है। इस मामले दे विच सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं पुछगिछ दे सम्मन भेज दिते ने। 16 अप्रैल नूं सद्या गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद मैंबर संजय सिंह ने इसकी पुष्टि करदिआं दस्सिआ है कि अरविंद केजरीवाल नूं सीबीआई दे सम्मन मिले ने। कहिंदे मैं प्रधानमंत्री नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं ते तुहाडी सरकार सिर तों लैके पैरां तक भ्रिष्टाचार दे विच डुब्बे होए हो। केजरीवाल की लड़ाई सीबीआई दे सम्मना नाल नहीं रुकेगी। उन्हें इल्जाम लाया कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल नूं जेल विच पाउण दी साजिश रच रही है, पर वह डरन वाले नहीं हन। कहिंदे केजरीवाल ने तो 13 दिन भुख हड़ताल रख के भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री जी, तुसीं अपने दोस्त नाल मिलके लखां करोड़ां दा घोटाला कर रहे हो, यह देश नूं दसना की जरूरी नहीं है? केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया, न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा दे विच कहा सी कि उन्हां नूं डराउण दी धमकाउण दी कोशिश कीती गई है, पर उन्हां दा कोई भी लीडर ना ही झुकेगा ना ही डरेगा। इस तों पहलां दिल्ली दे डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले दे विच ईडी दी हिरासत विच ने। उन्हां नूं 26 फरवरी नूं सीबीआई ने 8 घंटे की पुछगिछ तों बाद हिरासत विच लिया सी। 7 दिन दे सीबीआई रिमांड तों बाद कोर्ट ने सिसोदिया नूं जुडिशियल हिरासत विच भेज दिता सी। इस मामले दे विच ईडी ने 6 मार्च नूं हैदराबाद दे बिजनेसमैन अमनदीप डल नूं भी गिरफ्तार किया सी। ते हुण सीबीआई दा जिहड़ा निशाना ओह दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वल सीधा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालस टीवी।